आजाद हिंदुस्तान के सबसे खौफनाक निठारी कांड में सीबीआई को करारा झटका लगा है। दोनों ही आरोपियों में से लगभग जो दोनों ही आरोपी हैं उनकी फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। एक विक्टिम 10 साल की बच्ची थी, उनकी मां हमारे साथ मौजूद है, जो सुरेंद्र कोहली है और मुनिंदर सिंह पंधेर, दोनों की जो फांसी की सजा है वो अदालत ने एक तरीके से माफ कर दी है और दो केस में तो बरी कर दिया। क्या कहना आपका? मेरे को कहना ये है, इसको दोनों को फांसी जरूर दी जाए। ये दोनों बहुत दरिंदे बहुत हैं। योगी सरकार से, मोदी सरकार से मेरी यही प्रार्थना है कि इनको फांसी दी जाए। अगर फांसी नहीं इनको मिली तो ऐसे कानून तो कोई मानेगा नहीं। आई इंसान मारेगा और बाज कहेगा तो बरी तो हो ही जाएंगे। जब वो बरी हो गए तो हम भी हो जाएंगे। नहीं, इनको फांसी जरूर दी जाए, हमारी यही है उनसे प्रार्थना, और दोनों को फांसी जरूर चाहिए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप लोग निठारी में ही रहते थे उस वक्त, उस रहते थे तो उस वक्त का क्या माहौल था? कैसे धीरे धीरे करके पूरा बताइए कि कैसे बच्चे यहाँ से गायब हो रहे थे। आपने पुलिस के लोगों को बताया था, पूरा मामला बताइए कैसे क्या खुलासा हुआ। यहाँ से पहले बंगालियों के बच्चे गायब हो रहे थे तो मैं पुकारते थे कि 3 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 20 साल की लड़की है, 18 साल की लड़की है, कोई भाई को मिले तो बताना। उसके बाद जब मेरी लड़की गायब हुई, उसने उठाई है, पकड़ ली, तब जाके हमने पता नहीं कहाँ इसको ढूंढा, नहीं मिली। पुलिस गुमराह कर रही थी, पुलिस यहाँ मिली हुई थी, मुनिंदर से पुलिस मिली हुई थी। एक एक घर डॉक्टर भी आते थे और क्या कहते, ये गुर्दे और आंखी और किडनी सारी बेचता था। ये खाता गुता जो कहते थे नौकर खाता था, खाता नहीं था, ये वो क्या कहते सब बेचता था ये। फिर कैसे खुलासा हुआ था, कैसे पता चला था आपकी बच्ची के बारे में, कैसे खुलासा हुआ था? पायल नंदलाल की लड़की थी ना पायल, उसके कपड़े पकड़ा गया तो नंदलाल ने पकड़वाया हम लोगों ने, तब पकड़ा गया जब तो खाली नंदलाल के लड़की के पुलिस आई, दबिश पड़ी। जब पुलिस आई तो खाली पायल के कपड़े लेके, पायल चप्पल और कपड़े लेके चली गई। उसके बाद मियां पप्पू लाल की लड़की 7 साल की थी, उनने वो 2 नंबर में रहते थे, अब तो यहाँ से खाली करके निठारी में रह रहे हैं, तो उनने फोन किया, हम रहते थे सदरपुर, कह रहे थे भैया यहाँ पे पुलिस आई थी इसके मुनिंदर के घर में और पता नहीं कुछ लेके चली गई है। उसके बाद सुबह में पप्पू लाल का लड़का, हमारा लड़का, मुनिंदर के कोठी में कूद के फिर झाड़ी से ऐसे हटाए, पहले 1 सर मिला, फिर 2 सर मिले, और फिर उसके बाद में ये पुलिस को बोले कि आप कहाँ हो, दरोगा जी को बोले कहाँ हो, तो कह रहे मीटिंग में है, कह रहे चतुर्वेदी थे वो एसपी, ऐसे झूठ बोले। तब फिर आलोक को और पुनीत को फोन किया। अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, तो फिर जब आपके बच्चे कूदे कोठी में तो वहाँ क्या क्या मिलने लग गया? सर मिले थे, कपड़े मिले थे, काल मिल रहा था, काल के मिले थे सर और कपड़े, और बच्चों छोटे छोटे बच्चों के आई कार्ड, बस्ते बहुत सारे, 3 बोरे मैंने भर के खुद अपने हाथों से भरे, 2 बोरे तो सर भरे थे, दो बोरे सर में, 18 सर दिखाए हैं, पुलिस ने सारे गायब कर दिए। ये एक बड़ी बात ये कह रही है कि जब D5 जो खूनी कोठी है उसके अंदर जब इनकी फैमिली के लोग दाखिल हुए तो 2 बोरे में जो नर कंकाल थे वो मिले थे, स्कूली बच्चे जो है उनके बस्ते मिले थे। और अब पहले नोएडा पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की थी, उसके बाद देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI ने इस पूरे मामले की जांच की थी। धीरे धीरे करके जो निचली अदालत है उसमें तो फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट से जो फांसी की सजा है वो खारिज कर दी गई है। एक बात तो तय है कि जो D5 खूनी कोठी का जो मालिक है मुनिंदर सिंह पंधेर, वो पूरी तरह से उसको राहत मिली है और सभी मामले जो चल रहे थे अदालत में वो खत्म हो चुके हैं, अब वो जेल से बाहर आने का उसका रास्ता साफ हो चुका है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, नोएडा, आज तक।